हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में आपको बताने वाला हूं कि हमारी सफ़ेद मूंगफली की जो कटिंग है वो कटिंग स्टार्ट हो गई है। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि बेड्स कम्प्लीटली फाइनली बन गए थे, और बनने के बाद फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव भी कर दिया था। अभी इसके बाद अभी आज कटिंग हो रही है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं किस तरीके से कटिंग करना है और हम किस तरीके से हमेशा कटिंग कराते हैं। जो कटिंग कराने का सबसे सही तरीका है वो आज की वीडियो में आपको सबको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर कटिंग हो रही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सभी लोग कटिंग कर रही हैं। देखिए राधे राधे सबको। देखो सब लोग कटिंग कर रही हैं। देखिए ये चाकू से इस तरीके से चाकू, ये देखिए ये बिना कटी हुई है और ये वाली जो रखी हुई है कटिंग हो गई है। देखो तो इसमें दो और तीन, मतलब जो जैसा फंगर है मतलब उस हिसाब से इसमें कटिंग की गई है। दो या तीन की सबसे अच्छी कटिंग है। बाकी अगर छोटा सा कोई कंद है जैसे इस तरीके से, अगर ये जो छोटा है तो इसमें हम कटिंग नहीं करेंगे, इसको वैसा का वैसा ही रख देंगे। बाकी अगर जो जैसे बड़ा है इसमें से हम दो कर देंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग को भी इसी तरीके से कटिंग करना है। देखिए यहाँ पे ये सभी लोग, चाकू से इस तरीके से कटिंग करना है। पहले फंगर को बीच में से कटिंग करना है, उसमें से दो करना है, दो से फिर अगर तीन भाग हो रहे हैं तो तीन भाग करना है, चार भाग हो रहे हैं तो चार भाग करना है। मतलब कुल मिला के दो और तीन से कटिंग बड़ी नहीं करना है, ज्यादा दो और तीन की कटिंग करना है। पर जो कंद छोटा है एकदम, तो उसको वैसा का वैसा ही रख देना है। ये जो इधर पे रखी हुई है वो बिना कटी हुई है। देखिए अभी इनमें समय आ गया, तो देखिए इसमें अंकुर भी निकल गए। सब बिल्कुल दिन भाई नहीं है, तीन तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम मूंगफली की कटिंग कराते हैं। आप लोगों को भी इसी तरीके से कटिंग करानी है, मतलब जो फंगर छोटे हैं बड़े हैं उस हिसाब से, मतलब मिनिमम इसकी दो और तीन की साइज कटिंग की होनी चाहिए, मतलब दो और तीन, ठीक है। अगर और ज़्यादा मस्त अगर उसके जो
कंध हैं, ठीक है, फंगर हैं, तो आप थोड़ा सिंगल तो नहीं, मेरे हिसाब से दो और तीन का आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जो बिल्कुल छोटा सा गुच्छा है, जो छोटा सा फंगर है, तो उसको आप फिर बिना उसका सिंगल ही लगा दीजिए, मतलब उसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं करना है, दो तीन, ठीक है। अगर एकदम बारीक है तो आप चार भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं तो चार नहीं करता हूँ, दो तीन का करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों। अब बारी बारी से एपिसोड बाई एपिसोड सारी वीडियो डालने वाला हूँ। अभी इसमें कटिंग का बताया हूँ, अभी कल लगेगी, तो कल फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग को बताएंगे किस तरीके से लगाना है, जो लगाने का सही तरीका है उसी तरीके से आप लोगों को लगाना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, सीताराम, राधे राधे।